दोस्तों ये है वो रास्ता यासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तरफ जाते हुए हम ये सामने ये रास्ता देख सकते हैं आप। ये यासुद्दीन तुगलक के मकबरे का रास्ता है और सामने वो देख रहे हैं वो जो टॉम है उसी के अंदर यासुद्दीन तुगलक की कब्र है। तो देखिए दोस्तों हाय गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शहीद वीडियो ब्लॉग। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए सफ़र पे लेके। जैसा कि दोस्तों आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में तुगलकाबाद फोर्ट का नज़ारा कराया था, तुगलकाबाद कुंड का नज़ारा कराया था। तो दोस्तों फाइनली आज हम लेकर आए हैं आपको तुगलकाबाद किले के मकबरे में। जी हाँ दोस्तों, यासुद्दीन के मकबरे पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो यासुद्दीन का मकबरा है। तो देखिए पूरा वो यासुद्दीन का मकबरा है जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। फाइनली हम तुगलकाबाद पूरा फोर्ट घुमा चुके हैं आपको, तो आज हम उस मकबरे की बात करेंगे जहाँ यासुद्दीन तुगलक की कब्र है। तो दोस्तों चलिए हम अंदर लेकर चलते हैं और घुमाएंगे इस पूरे मकबरे को और आपके दिखाएंगे इस मकबरे के बारे में कुछ नक्काशियाँ, कुछ इतिहास इसके बारे में अंदर चल के दिखाएँगे। चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं अंदर। ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, ये इस मकबरे में अंदर जाने की सीढ़ियाँ हैं और वो मकबरे का मुख्य द्वार उस साइड है। देख सकते हैं आप यासुद्दीन तुगलक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि यासुद्दीन तुगलक का जो टॉम है, मकबरा है, ये 1321 से 1325 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। आप देख सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आपने किसी भी व्लॉग में कहीं पर भी नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर के अंदर खुलेआम नील गाय हिरन यहाँ पर घूमते हैं इस जंगल के अंदर, इस मकबरे के पीछे वाली साइड में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ खुलेआम आपको हिरन और नील गाय देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए इस साइड, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नील गाय कहलाती है या हिरन कहलाती है, ये नील गाय या हिरन है दोस्तों देख सकते हैं। ये इसके किले मकबरे के बिल्कुल सामने ये नील गाय या ये मेरे हिसाब से तो नील गाय हैं जो टहल रही है। देख रही कितनी सारी नील गाय हिरन के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर एक जंगल भी है, बहुत घना जंगल भी है, तो देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो हिस्सा है ये पीछे का जंगल है। यहाँ पर नील गाय और बंदर वगैरह और बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं। ये पूरा किला मकबरा बना रखा है, मतलब मकबरे के पीछे वाला हिस्सा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये यासुद्दीन तुगलक का मेन जो टॉम है उसका मेन गेट है। चलिए दोस्तों अब अंदर एंट्री करते हैं और आपको दिखाएंगे इस अंदर के मकबरे के बारे में। ये है अंदर जाने का मेन रास्ता, मेन एंट्री, ये मेन गेट है इसका। ये बलुआ पत्थरों के द्वारा बनाया हुआ मेन गेट है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा इस मकबरे का बाहरी हिस्सा है, देख सकते हैं। यहीं पर दोस्तों यासुद्दीन तुगलक जो हैं वो आराम फरमा रहे हैं, ये देखिए। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं हम। ये इसमें ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं जिसमें चढ़कर ही हम ऊपर मकबरे की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां, ये देखिए दोस्तों। यहाँ से हम नीचे से ऊपर सीढ़ियों से ऊपर आए थे। ये आप देख सकते हैं उस ज़माने में किस तरीके से ये होल वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पर सैनिक खड़े होकर नज़र रखा करते थे हर चीज़ पर। और ये इसका मेन गेट है, ये देख सकते हैं। ये जो इसका डिज़ाइन है, ये इसके जो पिलर, देखिए आप किस तरीके से इसके पिलर के अंदर डिज़ाइन दिया हुआ है, किस तरीके से खूबसूरत ये पिलर बनाए हुए हैं।
और यहाँ आइए आपको अंदर दिखाते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर एक कब्र है, यहाँ पर भी एक कब्र है, ये टॉम है पूरा, आप देख सकते हैं यह दो कब्रें बनाई हुई हैं। ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो कब्रें बनाई हुई हैं, एक बड़ी कब्र है एक छोटी कब्र है। ऐसा लगता है इन कब्रों को देखकर ये हस्बैंड वाइफ की कब्र है, जो बराबर में छोटी कब्र बनाई हुई है उसके बराबर में सिंगल कब्र की कब्र से बड़ी कब्र बनाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए और ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इस टॉम के अंदर किस तरीके से सामने खिड़कियों पर आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। ये पूरा एक टॉम ये मकबरा बनाया हुआ है, इसके अंदर ये दो कब्रें हैं दोस्तों। और इस तरफ हम चलिए चल के दिखाते हैं आपको इस तरफ की तरफ, यहाँ देखते हैं ये पूरे टॉम जो है वो इस तरीके से गोल घुमा हुआ है, जिसके बीच में ये कब्रें बना रखी हैं। ये आपने देखी होगी, ये देखिए मैंने उस साइड से आपको दिखाया, ये दोनों कब्रें बना रखी हैं यहाँ पर, एक ये कब्र है एक ये कब्र है, ये दो कब्रें हैं, ये हस्बैंड वाइफ की कब्र है। और अगर आप इस तरफ की बात करेंगे तो जितने भी ये खिड़कियाँ ये रोशनदान दिए हुए हैं, यहाँ से नज़र रखने के लिए दिया जाता था ताकि यहाँ से रोशनी भी आ सके और नज़र भी रखी जा सके, जो भी सैनिक यहाँ से देखा करते थे, नज़र रखा करते थे इस मकबरे के अंदर। आइए दोस्तों फिर और आगे लेके चलता हूँ आपको। ये पूरा गोल हिस्सा है, इस गोल मीनार के तरीके से इसको बनाया गया है, जिस तरीके से एक मीनार बनाई जाती है गोल गोल घूमी हुई, उसी तरीके से ये मीनार बनाई हुई है और उसके बीच के अंदर ये कब्र है। आइए दोस्तों अब बाहर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो आयतें लिखी हुई हैं, ये कलमा, ये आयतें लिखी हुई हैं, ये मकबरे के पास ऊपर के दरवाजे पे लिखी जाती थी। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी जो है वो आयत लिखी हुई है। आइए अब बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर से आपको दिखाएंगे इसका और भी। ये देख सकते हैं ये मेन जो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, जहाँ पर उनकी कब्र है, उसका ये मेन हिस्सा है, मेन फ्रंट है, ये मेन दरवाज़ा है। ये देख सकते हैं ऊपर जो है इसके अंदर संगमरमर का पत्थर यूज़ किया हुआ है, संगमरमर के पत्थर लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा और ख़ूबसूरत मकबरा है ये, जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं दोस्तों इस मकबरे की ऊपर की आप टॉम को अगर देखेंगे, जो मीनार को देखेंगे, वो कितनी खूबसूरत है। ये संगमरमर के पत्थरों से बनाई हुई है। आप इसकी जालियाँ, इसकी नक्काशियाँ, इसके मेहराब को अगर देखेंगे तो खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा आपको। ये देखिए अभी इसके अंदर भी लेके चलेंगे हम आपको दोस्तों, बाकी मैं आपको बाहर से इसका और व्यू दिखा देता हूँ, फिर अंदर वो जो सामने यासुद्दीन तुगलक की जो कब्र है वहाँ पर लेके चलेंगे और बताएंगे इसके बारे में कुछ इतिहास, कुछ हिस्ट्री के बारे में। है ये जफ़र खान का जो टॉम है, जफ़र खान का जो मकबरा है, वो जो अभी हमने आपको अंदर दिखाया था, ये देखिए जो हमने अभी आपको अंदर वो जो कब्र, दो कब्रें दिखाई थी, वो जफ़र खान साहब की कब्र है और उनकी बेगम की कब्र है। अब चलिए इस हिस्से को हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो दीवार है दोस्तों, ये तकरीबन आप अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 5 फुट की ये दीवार चौड़ी बनाई जाती थी किले की मजबूती के लिए। आप देख सकते हैं उस ज़माने के किले कितने मजबूत और उस ज़माने के मकबरे कितने मजबूत बनाए जाते थे। आइए दोस्तों अंदर चल लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये जितनी भी जगहें ये खुली हुई हैं, ये सैनिकों के लिए खुली होती थी ताकि सैनिक इस पर सामने से नज़र रख सकें, क्योंकि उस वक्त मंगोलों का बहुत ज़्यादा खतरा हुआ करता था, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ये सारी जगहें जो हैं वो नज़र रखने के लिए बनाई जाती थी ताकि हम किसी भी आक्रमण से रुक सकें। आप देख सकते हैं ये पूरा वो गलियारा है, ये पूरी जो है एक गैलरी बनाई हुई है। आप देख सकते हैं पूरी जो है वो गैलरी बनाई हुई है। मैं यहाँ से खड़े होकर आपको इधर का व्यू दिखाऊँगा अभी। ये देखिए दोस्तों ये जो है ये पूरी गैलरी बनाई हुई है, आप इसकी छत देख सकते हैं,
ये कितने मजबूत पत्थरों से, एक ग्रेनाइट के पत्थर इसमें यूज करे जाते थे, कितने मजबूत पत्थरों से ये पूरी गैलरी बनाई गई है। देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा गलियारा हुआ करता था, यहाँ से निकलते थे सैनिक और यहाँ सैनिक खड़े हुआ करते थे। चलिए दोस्तों, आप बाहर की तरफ दूसरी तरफ लेके चलते हैं हम आपको। रौनक देखिए, आपके इस पिलर के ऊपर जो नक्काशियाँ हैं वो उस तरीके की नक्काशियाँ करी जाती थी जिससे पिलर भी खूबसूरत नज़र आते थे। आप देख सकते हैं ये बलुआ पत्थर जो है वो कितना मजबूत पत्थर होता था, इसकी खूबसूरती अलग ही नज़र आती है जो सालों साल आज भी टिकी हुई है। आइए अंदर लेके चलते हैं आपको। ये वो जगह है जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये पूरा ये बना हुआ है, ये दीवाने खास था। ये देखिए इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा दीवाने खास कहलाया जाता है दोस्तों। आप ऊपर से इसकी छत वगैरह देख सकते हैं किस तरीके से मजबूत पत्थरों के साथ इसको बनाया जाता था। आप ये देखिए इसके सारे पिलर देखिए, आप कितने मजबूत पिलर इसके अंदर लगाए हुए हैं। इसकी जालियाँ, इसकी नक्काशियाँ खूबसूरत डिज़ाइन के साथ उस वक्त के मकबरे, उस वक्त के किले बनाए जाते थे दोस्तों। दोस्तों किला जो हुआ करता था वो राजा की ख्वाहिश के ऊपर, राजा की रिहाइश घर के हिसाब से बनाया जाता था। लेकिन मकबरा जो होता है वो मकबरा उनकी कब्र होती है जो उनके मरने के बाद यूज़ करा जाता था, लेकिन उसके अंदर कोई भी मतलब रुकने का या किसी चीज़ का साधन नहीं हुआ करता था, सिर्फ उनकी कब्रें उसके अंदर हुआ करती थी, वो मकबरा कहलाता है। और किला जो है किला रहने के रिहाइश के काम आता था उनके। चलिए दोस्तों, अब इस तरफ लेके चलते हैं हम आपको। ये देखिए दोस्तों, ये उसी तरीके की मीनार पे हम आ गए हैं। ये उस तरीके की मीनार है, ये भी गोल तरीके से घूमी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो हमने आपको बाहर से दिखाई थी मीनार, रोड पे से जो मीनार नजर आई थी, जो गोल मीनार थी, उसके अंदर का ये हिस्सा है। अंदर देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ है, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया है। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। आप देख सकते हैं उसकी जो गुंबद है वो नज़र आ रही है सामने, कितनी खूबसूरत गुंबद है जो संगमरमर के पत्थरों से बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत वो गुंबद है दोस्तों। सामने वो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये वो नज़ारा है, ये पूरा नज़ारा जो है वो मीनार के अंदर का हिस्सा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के इतिहास के बारे में कि उसने वो किला और ये मकबरा कितनी चाह से बनवाया था। वो एक ऐसा बदनसीब सुल्तान था जिसने इस किले को इतने प्यार से चाव से बनवाने के बाद भी इस किले के अंदर उसका सुख नहीं भोग पाया वो, और वो बदनसीब बाप भी निकला जिसके बेटे ने ही उसको कत्ल किया। जी हाँ, इब्ने बतूता अपनी किताब में बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को उनके बेटे ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उनकी हत्या की थी। दोस्तों देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो ये मकबरा है, आप देख रहे हैं इसके अंदर जो गयासुद्दीन तुगलक की जो कब्र है वो इसी के अंदर है, और मोहम्मद बिन तुगलक की भी कब्र इसी के अंदर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही मकबरा है। और जो हमने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था वो था गयासुद्दीन का वो किला, वो सपने वाला किला जिसका वो सपना देखा करते थे। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की अगर जिक्र करा जाए तो उनका जिक्र एक महान शासकों में आता है, महान सुल्तानों में आता है, क्योंकि उन्होंने 29 बार मंगोलों को खदेड़ा था, हिंदुस्तान की धरती से मंगोलों को दूर किया था, और मंगोलों में 29 बार मंगोलों को यहाँ से, हिंदुस्तान की धरती से उन्होंने भगाया था। जी हाँ दोस्तों, मंगोल आप जानते हैं कितने ख़तरनाक शासक हुआ करते थे। मंगोलों का खौफ इतना हुआ करता था कि कोई भी राजा उनसे अपने साथ किसी भी चीज़ का वो नहीं रखता था, मतलब उनसे इतना खौफ खाते थे लोग, जो भी मंगोल कहते थे वो मान जाया करते थे। उन्हीं मंगोलों से 29 बार गयासुद्दीन तुगलक ने लोहा मनवाया था। जी हाँ दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार उन मंगोलों को भगाया था और हिंदुस्तान की धरती को पाक रखा था, पवित्र रखा था। मंगोल शासक इतने ख़तरनाक हुआ करते थे कि वो एक तरीके से नरभक्षी हुआ करते थे, इंसान को मारकर इंसान का खून पी जाया करते थे। दोस्तों ये कहानी है मंगोलों की। अब आते हैं
कहाँ दोबारा से वापस यासुद्दीन तुगलक की तरफ। तो दोस्तों यासुद्दीन तुगलक जो हैं वो एक अच्छे बादशाह साबित हुए, अच्छे सुल्तान साबित हुए। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, लेकिन उनका जो शासनकाल है वो सिर्फ 5 साल तक ही रहा। तो दोस्तों 5 साल के शासनकाल के अंदर उनको काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, जिसके अंदर इस कठिनाई के अंदर उनका मोहम्मद बिन तुगलक उनके बेटे के साथ विवाद रहा, उनका विवाद निज़ामुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वालों के साथ रहा, उनका विवाद मंगोलों से चलता रहा, मंगोलों से उनकी लड़ाई चलती रही, जिसकी वजह से उनको इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और उनका शासनकाल जो है सिर्फ 5 साल तक रहा। और 5 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जो कि उन्हीं के बेटों के हाथों हुई। तो इसके बारे में और जानेंगे हम, आइए आपको इस मकबरे के अंदर लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है उस मकबरे का मेन गेट। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ये भव्य और खूबसूरत बनाया हुआ है। ये वही सुल्तान हैं दिल्ली सल्तनत के, यासुद्दीन तुगलक, ये उन्हीं का मकबरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, बताता हूँ ये कमरे किसकी है। मोहम्मद बिन तुगलक की है, और ये बीच में ये कब्र है ये यासुद्दीन तुगलक की है, और ये जो कब्र है ये उनकी बेगम की है। आप देख सकते हैं तीनों किस तरीके से कमरे यहाँ पर बनाई हुई हैं। आप इस मकबरे का पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरीके से बहुत पूरा खूबसूरत ये बनाया हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं ये जो जगह है, ये जो गुंबद है, ये इसलिए बनाया जाता था यहाँ पर ताकि यहाँ पर सिर्फ नमाज भी हो सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए भी रास्ता और ये जगह बनाई हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खूबसूरत मैदान बना हुआ है, किस तरीके से संगमरमर के पत्थरों से ही ऊपर ऊपर का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। ये जालियाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी खूबसूरत जालियाँ, कितनी खूबसूरत जालियाँ उसको भी बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मकबरा जो है, हम इसको कह सकते हैं कि एक बदनसीब बाप, बदनसीब सुल्तान का मकबरा है। जी हाँ दोस्तों, हम यही कह सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 साल राज किया और 5 साल के शासन में कितने विवाद झेले आप जानते ही हैं। अपने बेटे के साथ, निज़ामुद्दीन औलिया वालों के साथ, हर किसी के साथ इनका विवाद चलता रहा और आखिरकार इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं कह सकते उसको, हत्या कहेंगे, क्योंकि इनका जो बंगाल का दौरा था, जी हाँ दोस्तों, इनका जो बंगाल का दौरा था, यासुद्दीन तुगलक का जो बंगाल का दौरा था, उस बंगाल के दौरे से जब वो वापस आ रहे थे, तो उनके बेटे ने जब उनका इस्तकबाल किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने जब उनका इस्तकबाल किया, और जब वो उनको एक लकड़ी के बनाए हुए किले के अंदर ठहराया, तो दोस्तों रात गुजारने के बाद वो किला उनके ऊपर ढह गया, उनके ऊपर गिर गया, जिसमें दबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इब्ने बतूता अपनी किताब में यही बताते हैं कि यासुद्दीन तुगलक की जो मौत है, उनकी जो मौत है वो मौत नहीं थी, वो हत्या थी, जो उनके बेटे के द्वारा एक रची हुई साजिश की वजह से हुई थी। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि सुल्तान अपने बेटे से भी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वालों से भी, सभी से उनका विवाद उनके शासनकाल में चलता रहा। ये देख सकते हैं, ये बंद कर दिया गया गेट है। ये पूरा ये मीनार जो हमने उस साइड मीनार आपको दिखाई थी, इसी इस साइड भी एक ये मीनार है, लेकिन इसका ये गेट बंद है। और ये पूरा आप देख सकते हैं मीनारों के ऊपर ये पत्थर जो लगे हुए हैं, ये सालों से पत्थर आज भी टिके हुए हैं दोस्तों, ये सालों से पत्थर जो हैं ग्रेनाइट के पत्थर आज भी टिके हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो ये है यासुद्दीन तुगलक का मकबरा, यासुद्दीन तुगलक टॉम्ब। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा, कितना खूबसूरत मंजर है, ये इतना शानदार मकबरा है, इतना खूबसूरत मकबरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी टॉम्ब, देखिए ऊपर की किस तरीके से संगमरमर की पत्थरों से बनाई हुई इसकी टॉम्ब है, और नीचे जो है बलुआ पत्थरों का यूज़ करा हुआ है, उसके अंदर ग्रेनाइट पत्थर भी लगाए हुए हैं। मैंने आपको जो अंदर चल के अभी दिखाया था, आप देख सकते हैं कितने पूरे डिज़ाइन।
फोटो भी ले जाओ यार, यहाँ से फोटो अच्छा आएगा। फोटो ले जाओ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक रास्ता बना रखा है, शायद नीचे जाने के लिए रास्ता है। नीचे इसकी सीढ़ियाँ गई हुई हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि नीचे ये क्या है। ये सीढ़ियाँ बंद कर रखी हैं वैसे तो, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है नीचे तहखाने में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। ये सीढ़ियाँ एक जगह नहीं हैं, ये सीढ़ियाँ कई जगह हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से भी नीचे जा रही हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं और ये पानी निकलने के लिए मकबरे में जो बारिश या किसी चीज़ का पानी आ जाता है उस पानी को निकलने के लिए ये नालियाँ बना रखी हैं, जो कि किले के बाहर की तरफ, इस मकबरे के बाहर की तरफ गिरता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी खिड़कियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ सैनिकों को नज़र रखने के लिए यहाँ से कहा जाता था, वो यहाँ से नज़र रखते थे हर चीज़ पर। ये देखिए, ये पूरा वो गलियारा है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इधर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये इधर पूरा गलियारा है और जो कोनों में एक दो तीन, तीनों जगह सीढ़ियाँ बना रखी हैं। ये सीढ़ियाँ जाती हैं सीधे तहखाने के अंदर। ये सीढ़ियाँ जो हैं दोस्तों, ये पूरा जो है ये गलियारा है, जैसा गलियारा हमने उस साइड आपको दिखाया था किले के, इस साइड वाली साइड भी, दक्षिणी साइड पर भी ये एक गलियारा बना हुआ है जहाँ सैनिक वगैरह खड़े हुआ करते थे। और ये जो रास्ते हैं जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये तीन सीढ़ियाँ दी हुई हैं नीचे की तरफ जो जा रही हैं, ये मकबरे के मेन कब्र के अंदर जा रही हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया जो ऊपर तीन कब्रें बनी हुई हैं, वो तीन कब्रें जो हैं सिर्फ आर्टिफिशियल समझ लीजिए, एक शो के तौर पर दिखाने के लिए थी, लेकिन असल जो कब्र होती हैं वो नीचे की साइड होती हैं। असल जो कब्र होती हैं वो नीचे बनाई जाती हैं ताकि वो सेफ रह सकें, और ऊपर ही आर्टिफिशियल टाइप की कब्रें बनाई जाती हैं, और उनका जाने का रास्ता वो यहाँ से है, इस जगह से जाने का रास्ता है दोस्तों। यही है वो मकबरा, यासुद्दीन तुगलक का मकबरा। जी हाँ दोस्तों, यासुद्दीन तुगलक एक ग्रेट, एक महान सुल्तान, लेकिन एक बदनसीब सुल्तान भी साथ साथ में। जी हाँ दोस्तों, बदनसीब सुल्तान भी, जो बेटे से बदनसीब रहे, जो रियाया से बदनसीब रहे, जिन्होंने बहुत सारे आक्रमण झेले, निज़ाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया वालों की मुखालफत झेली, आप जान सकते हैं, जिसकी बद्दुआ से, जिनकी बद्दुआ से वो किला, उनका टॉम आज भी वीरान है, जिसको आज कोई पूछता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पर ये उनका मकबरा है, ये भी एक शांत है, इसको भी कोई पूछता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी कोई आता जाता नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप उनको बदनसीब सुल्तान भी कह सकते हैं, आप उनको खुशनसीब भी सुल्तान कह सकते हैं, जैसा भी चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हाँ, हमारी नज़र में वो बदनसीब सुल्तान ही रहे जिन्होंने 5 साल शासन किया, उसके बाद अपने ही बेटे के द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त हुई, उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों फाइनली अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक वॉच कीजिए, और दोस्तों अपना प्यार बनाए रहिए।